पुलिस लाइन बहुउद्देशीय हॉल में पुलिस का चेकअप कैंप लगाया गया। शिप्ला कंपनी द्वारा लगाए गए शिविर में ट्रैफिक पुलिस का एसएन मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने चेकअप किया। ट्रैफिक पुलिस दिन भर सड़क पर ड्यूटी करती है, इस कारण प्रदूषण से उनके फेफड़ों में बीमारियां हो जाती हैं। इसको लेकर पुलिस लाइन में शिविर लगाया गया। एसपी ट्रैफिक प्रशांत कुमार ने बताया कि डॉक्टर्स ने पुलिस कर्मियों के सीने का परीक्षण किया, इसके साथ ही दवाएं लिखकर बचाव के टिप्स दिए। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एंड प्रोफेसर हमारे जीवी सिंह साहब हैं, जो कि चेस्ट विभाग में हैं। इन्होंने यहाँ पर एक व्याख्यान भी दिया कि जो धूम्रपान है, टोबैको है, इससे हमारे समाज में जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर किस प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और जो ट्रैफिक के जो कर्मचारी हैं, जो कि दिन भर प्रतिकूल परिस्थितियों में मार्गों पर रहते हैं, रोड पर रहते हैं, चौराहों पर रहते हैं, और उनके जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उनके टेस्ट के लिए यहाँ पर सिप्ला प्राइवेट इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक यहाँ पर कैंप लगाया गया है, जिसमें ट्रैफिक के कर्मचारी, पुलिस लाइन के कर्मचारी और साथ ही साथ जो हमारे थाने हैं उनके भी कर्मचारी यहाँ पर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। आगरा में नामी हैं डॉक्टर हैं, छाती रोग विशेषज्ञ, उन लोगों ने यहाँ पर आकर ट्रीट किया। डॉक्टर ऋषभ गोयल एंड डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सर और डॉक्टर मिस्टर एसपी सिंह प्रशांत सर के साथ में ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। इस कैंप में बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस वाले ऐसे हैं जिनको इसका लाभ होगा सर। थैंक यू। ये अभी इनका केवल लंग फंक्शन टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रदूषण की वजह से काफ़ी पुलिस वालों तो स्ट्रांग है, लेकिन कुछ पुलिस वालों के साथ ये दिक्कत थोड़ी सी पाई गई है, तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर जीवी सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, जो बिल्कुल फिट एंड फाइन हमारी ट्रैफिक पुलिस को सुधारेंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक चालन भी अधिक तरह से अधिक बेहतर रहेगा। शिप्ला कंपनी के अमन वर्मा का कहना था कि एसपी ट्रैफिक प्रशांत कुमार की देखरेख में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें ट्रैफिक के साथ सिविल पुलिस कर्मियों ने अपना परीक्षण कराया। पीएफटी और सीओपीडी टेस्ट बाहर 700 रुपए में होते हैं, लेकिन शिविर में पुलिस कर्मियों के निशुल्क टेस्ट किए गए। स्वास्थ्य शिविर में करीब 150 पुलिस कर्मियों के टेस्ट किए गए। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।